फुल स्टोरेज होने की वजह से हैंग हो जाता है। पीपल का पेड़ देखिए अभी इतना बड़ा, यहाँ पे पर खाना खाया मैंने तो पसीना यहाँ से निकल गया, सीधा अंदर चला गया, इतने ज़्यादा यहाँ पे टमाटर वगैरह खेती करते हैं लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। वैसे अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और आज मैं जा रहा हूँ अपने मामा जी की रिटायरमेंट पे। और वैसे मैं जो वीडियो हूँ काफ़ी टाइम बाद शूट कर रहा हूँ, मैं आ गया था सोलन गया था तो उसके बाद मैंने शूट नहीं किया था वीडियो, तो क्योंकि एक्चुअली जो मेरे फ़ोन में जो स्टोरेज थी वो बिल्कुल फुल थी तो उसकी वजह से मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, और जो प्रीवियस वीडियो थी उसको मैं एडिट करने में लगा हुआ था, तो इसलिए जो है काफ़ी दिन से मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा था। और आज जो है मैं शूट कर लेते हैं, मामा जी की रिटायरमेंट है तो मतलब फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा कि हम मामा जी की रिटायरमेंट को भी गए थे। बाकी मौसम आजकल हिमाचल में काफ़ी गर्म बना हुआ है और मतलब काफ़ी दिनों से बारिश वगैरह होती कम होती बारिश, वैसे जैसे पिछली बार हुई इतनी बारिश हो नहीं रही, मतलब ना इस बार नदी नाले आए हो इतने उफान पे, हमारे तो बिल्कुल भी नहीं हो रही बारिश। कभी कल की परसों मैंने जैसे मैं सोलन से आया था वैसे ही प्लांटेशन को पहले पानी देने के लिए पंप स्टार्ट किया, उसके बाद पानी दिया, फिर जाके हुआ सब कुछ, तो मतलब पानी तक नहीं मिल रहा है प्लांट्स को, इतना ज़्यादा बुरे हाल है आजकल गर्मियों से। मतलब ज़्यादा हुमस बहुत ज़्यादा है और पसीना बहुत पड़ता है आजकल, तो कई बार ये भी एक डिसएडवांटेज होता है आज की डेट में काफ़ी दिनों के बाद शूट करके अजीब सा लगता है क्योंकि इतने दिन हो गए शूट कर ही नहीं पाया मैं। और वैसे आजकल काफ़ी अच्छी ग्रोथ है प्लांट्स की पर एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिलता, कई बार मुझे टाइम नहीं होता और कई बार मेरा फ़ोन ही हैंग हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा हालत ख़राब है फ़ोन की भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वर्क लिया जाता है इस फ़ोन से, मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी है उससे दोगुना ऐसे काम लिया जा रहा है। तो जो मेन डिसएडवांटेज पड़ता है इसका यही कि फ़ोन ही हैंग हो जाता है, मतलब एडिटिंग के टाइम मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा फुल स्टोरेज होने की वजह से हैंग हो जाता है। तो करूँगा मैं खाली इसको एक दो दिन में जैसे मेरी एडिटिंग वगैरह कम्प्लीट होगी, तो सोचता तो मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करने की, पर क्या करना टाइम नहीं मिलता, टाइम मिलता है तो एकदम इतनी ज़्यादा हो भी नहीं पाती कई बार क्योंकि एकदम इतनी एडिटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, आँखों पे काफ़ी स्ट्रेस वगैरह पड़ता है। वैसे आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप बहुत खिली हुई है, आजकल बारिश उतनी होने रही है और हर जगह जो है हरियाली हरियाली दिख रही है आपको, पर सूखे बिल्कुल पहाड़ में इतनी बारिश नहीं हो रही इस बारी, भगवान से यही दुआ है कि बस बारिश कर दे फटाफट, ज़्यादा भी ना हो पर ऐसी होगी रेगुलर इंटरवल पे। अभी हम पहुंच चुके हैं रिटायरमेंट के, हमारे मामा जी के रिटायरमेंट में, मामा जी जो हैं पीडब्ल्यूडी से रिटायर हो रहे हैं। पीपल का पेड़ देखिए अभी इतना बड़ा है यहाँ पे, मैं तो डेली रहता हूँ गया हुआ। हल्ला है बहुत ज्यादा पर तो मतलब साउंड वगैरह तो वहाँ शूट करेगा फायदा नहीं होता, इसलिए बस बाहर आए थे वैसे बाउंड्री वगैरह यहाँ बाउंड्री के पास तो वहाँ जा रहे हैं अभी यहाँ से वापस फिर से परे, देखते हैं वैसे काफ़ी अच्छे प्रोग्राम है चला वो, पर यहाँ पे क्या है गर्मी बहुत है आजकल तो ये ज़्यादा दिक्कत होती है, यहाँ पे गर्मी बहुत है आजकल यहाँ पे जिसकी वजह से मतलब बैठे बैठे पसीना पड़ जाता है, पर खाना खाया मैंने तो पसीना यहाँ से निकल के सीधा अंदर चला गया, इतना ज़्यादा पसीना पड़ा परे। बाकी यहाँ आपको दिखाता हूँ टमाटर की खेती करते हैं यहाँ पे लोग, काफ़ी मेहनत करते हैं वैसे, अभी बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको यहाँ पे टमाटर वगैरह खेती करते हैं लोग, काफ़ी अच्छा
है, यहाँ की जो ज़मीन है वो काफ़ी उपजाऊ है। और नीचे मेरे ख्याल से खीरा वगैरह लगाया हुआ, हमारे मामा जी ने भी लगाया, ऊपर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर आप यहाँ पे देखिए कितना अच्छा वेदर है बाहर का, आज वैसे काफ़ी गर्मी है, भगवान था बारिश हो जाए शाम तक, इतने गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। ठीक है, हमारे मामा जी ने लगाया हुआ खीरे कितने सारे ज़्यादा है, मतलब आधे खेत तक ये लगाया हुआ है, इस साइड से लेके उस साइड तक काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसमें फूल वगैरह आ रहे हैं, पर अब से बहुत ज़्यादा फूल झड़ चुके हैं इसकी वजह से। ये देखिए कितना लगे है इसमें खीरे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ एक बार आपको, ये देखिए, पर ये छोटा है बहुत, बाकी लगे तो इसमें काफ़ी है खीरा, वैसे काफ़ी अच्छा खीरा लगाया हुआ, मतलब मीठा है बिल्कुल अभी तक ये, और काफ़ी ज़्यादा लगाया हुआ मैंने। ऊपर दिखाता हूँ आपको, ऊपर वाले मंजिल से वहाँ से लगेगा आपको पता कि कितना ज़्यादा खीरा लगाया हुआ है। चलते ऊपर रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद जाएंगे नीचे। यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको पीछे का, कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। यहाँ काफ़ी खुला खुला सा मौसम, नीचे बहुत गर्मी थी, यहाँ पे नहीं इतनी ज़्यादा गर्मी जितनी नीचे थी वैसे। और यहाँ से दिखाता हूँ आपको खीरे का खेत, यहाँ से कितना ज़्यादा खीरा लगा हुआ है इसमें यहाँ पे। ये देखिए पूरे खेत में खीरे खीरा लगाया हुआ है। जैसे मेरे मामा जी ने नीचे टमाटर वगैरह जो है लगाया हुआ, उन्होंने एक और खेत में लगाया हुआ टमाटर, तो इसमें खीरा लगाया हुआ है। और ये देखिए मक्की के खेत कितने ज़्यादा बड़ी बड़ी मक्की होगी, हमारे तो बिल्कुल छोटी छोटी सी है। इस बार बहुत कम बारिश हो रही है हमारे इलाकों में, जैसे मतलब एवरेज बारिश काफ़ी होती है वैसे, पर इस बार बारिश कम हो रही है, मतलब मनाली वगैरह में तो होती है, वहाँ पर तो हमेशा ही होती है, वहाँ तो बादल वगैरह फटते रहते हैं, पर यहाँ पे एवरेज से भी इतनी ज़्यादा कम है कि यहाँ बरसात के टाइम भी आपको आजकल प्लांट्स को पानी वगैरह देना पड़ता है तभी तो सूख जाते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। क्योंकि जैसे खीरा वगैरह होता है तो मतलब आपको पता है कितना सॉफ्ट चीज़ होती है, तो एकदम उसको पानी चाहिए होता है, अगर पानी नहीं मिले तो एकदम सूख जाते हैं। तो हमारे प्लांट्स को भी काफ़ी जरूरत होती है पानी की, तो मैं तो कंटिन्यू रखता हूँ पानी, पर कई बार क्या होता है कि टाइम भी नहीं लगता मेरे को, और कई बार मेरे पास मूड भी नहीं होता कई बार,